गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल इन्फिनिटी आई हेंस वेल, दिस इज नेहा। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ ये वाला मेकअप लुक। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मेकअप लुक है, जो कि आप पार्टी में, अगर आप खुद ब्राइड हो तो भी आप इस मेकअप को कैरी कर सकते हो। एंड मैं मोस्टली जो भी मेकअप दिखाती हूँ वो ब्राइड पे भी जा सकता है, वो पार्टी मेकअप पे भी आप जा करके जा सकते हो। अगर आपका खुद का बर्थडे है तो भी आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। वेल, एक्सक्यूज़ माई ड्रेस, वैसे ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है, बट येस, फिर भी मेरे ड्रेस के साथ मेरे ज्वेलरी एंड मेकअप बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद जो भी हो, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिए मेरे ड्रेस को मेरे मेकअप एंड ईयरिंग से। वेल, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक मेकअप लुक है। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, सो येस, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। एंड गाइज, वीडियो पे जाने से पहले, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, एंड उसके साइड में जो बेल बटन है उसको भी ज़रूर हिट कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ आए उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सो येस, सो गाइज, सबसे पहले मैं अपने आईज़ पे एक ब्लैक कलर का आई शेडो अच्छे से टैप टैप करते हुए सिर्फ वह कलर प्लेस कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ब्लेंड नहीं करना है, पहले सिर्फ मैं कलर को डिपॉजिट कर रही हूँ। एंड गाइज, बैकग्राउंड पे वो साउंड के लिए सॉरी, बच्ची चिल्ला रही है। वेल, इधर पे मैं एक ब्लश का जो कलर है उसको लेके मैं सिर्फ प्लेस कर रही हूँ मेरे क्रीज पे, उसके ऊपर नहीं। देन मैं ये लाइट वाला शेड लेके, वो जो भी ट्रांजिशन शेड है मेरा, जो भी प्लेस है वहाँ पे, मैं अच्छे से इसको बिग ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो, दोनों आईज पे ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ताकि पूरा सीमलेस लगे। ये स्मोकी आई पे है, तो ज़्यादा इधर उधर करने मतलब नहीं होगा। अगर इधर उधर हो जाए कलर्स तो इट्स ओके, क्योंकि हमने पहले से टेप लगा रखा है, एंड ऊपर जो भी कलर्स जाएगा ऊपर ही जाएगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ग्लिटर शेड दे दूँगी। मैं यहाँ पे एक वाइट ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, अमेजिंग सा शेड है, मैं आई शेडो पैलेट से ही यूज़ कर रही हूँ। देन मैं यहाँ पे मेबलिन का एक लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जेट ब्लैक पे है, अमेजिंग लाइनर है। अगर आपको लोगों को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं वहाँ पे आप लोगों को जानकारी दे दूँगी। एंड यहाँ पे मैं एक आईशेडो, ब्लैक आईशेडो के साथ जो अलाइनर में प्लेस लगाई थी उसको मैं मैट फिनिश देने के लिए ये ब्लैक आईशेडो उसके ऊपर से ही लगा लूँगी। वेल, जो मेरा लेटेस्ट न्यू टेक्निक है बेस मेकअप का, वो मैं अपना लूँगी, मतलब वही मैं सेम कर लूँगी। एक मॉइस्चराइज़र के साथ में एक इल्यूमिनेटर मिक्स करके अपने पूरे फेस पे ऐसे अच्छे से प्लेस करी हूँ। एंड मुझे थोड़ा सा कवरेज तो डेफिनेटली चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा कंसीलर भी ऐड करूँगी यहाँ पे। मैं एक फाउंडेशन ब्रश की मदद से इसको पूरे फेस पे अप्लाई करी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड हो गया है, कितनी इजीली। एंड एक हल्का सा है, हल्का सा आपको, हल्का सा सॉरी सो एक हल्का सा आपको शीन भी मिल रहा है ड्यूई फिनिश, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। आपको हाइड्रेट भी दे रहा है एंड आपको ड्यूई फिनिश भी दे रहा है। वेल, मुझे ज़ुकाम भी हो गया है इसीलिए मेरा साउंड ऐसा आ रहा है। एंड मैं यहाँ पे पैक के ब्लेंडर के, मतलब ब्लेंडर नहीं, पैक एक ब्रश के मदद से, कंसीलर ब्रश है ये, उसके मदद से अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी जो भी हाइलाइटिंग एरिया है वहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई की हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड उससे मुझे जितना कवरेज चाहिए होगा उतना मिल जाएगा मुझे। एंड मुझे कंसीलर ब्रश से थोड़ा सा लेट लग रहा था, इसीलिए मैं एक वो जो कबूकी ब्रश है पैक का, वो अप्लाई, मतलब उसी से अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत थकलाती हूँ बोलने के टाइम, प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दीजिए आप लोग। एंड गाइज, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा वेट एंड वाइल्ड का एक कॉन्टोर स्टिक, बहुत ही अमेजिंग सिमलेसली ब्लेंड हो जाता है मुझे, मतलब अमेजिंग लगता है ये। जहाँ जहाँ पे कॉन्टोर करना है वहाँ वहाँ पर मैं कॉन्टोर कर लूँगी। एंड कॉन्ट्रोल जिसे ब्लेंड करते हैं एक एंगुलर ब्रश की मदद से, मैं उसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी। मतलब ये इतना अच्छा एक कॉन्ट्रोल स्टिक है, आप ब्रश को टच करोगे एंड ब्लेंड हो जाएगा, इतना अमेजिंग है ये। जैसे कि आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, अमेजिंग सा एक फिनिश है।
मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो सर्कुलर मोशन पे, जॉ लाइन पे। जितना ब्लेंडिंग इम्पॉर्टेंट है उतना कर लूँगी मैं। अमेजिंग से कॉन्ट्रोल स्टिक है, मतलब टच करते ही इतने अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाता है। मुझे बहुत ही पसंद है ऐसे कॉन्ट्रोल स्टिक पोलो, मतलब इतने इजीली एंड मतलब टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता है ये सब ब्लेंडिंग ब्लेंड होने में। सो अमेजिंग है। वेल, ये ब्लेंडिंग होने के बाद मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एक फिक्सिंग स्प्रे। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, अमेजिंग है। एंड वो सूख जाने के बाद मैं यहाँ पे पाउडर अच्छे से पैट कर लूँगी, एंड इस पूरे मेकअप को पाउडर ही अच्छे से लॉक करके रखेगा। तो डेफिनेटली आप इसको बेक करो, मैं यही सजेस्ट करूँगी। अब मैं घर पर मेकअप कर रही हूँ, कहीं पर नहीं जा रही हूँ, इसीलिए मैं ऐसे ही डस्ट ऑफ कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने लोअर लैश लाइन को अच्छे से फिल करूँगी। बहुत ही बस एक ही कलर ली हूँ मैं, जो मैं ट्रांजिशन पे यूज़ की थी वही कलर लेके लोअर लैश लाइन पे अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। एंड मैंने लैश पे आप देख सकते हो फॉसिस लगाई हूँ, एंड मस्कारा भी अप्लाई की हूँ। वेल, अभी मैं एक लिप लाइनर की मदद से अच्छे से लिप को लाइन कर लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा ओम्ब्रे काइंड ऑफ लिप चाहती थी, इसीलिए मैंने पहले मरून और रेड, मतलब रेड मरून शेड आप बोल सकते हो, वो लेके कॉर्नर पे ऐड किया। उसके बाद मिडिल पे मैं एक न्यूट कलर का शेड दी कि ताकि एक ओम्ब्रे सा अमेजिंग एक इफेक्ट आए। एंड आफ्टर मेकअप गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा ब्रश लेके ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि इवनली वो स्प्रेड लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हो सेम ब्लश जो मैंने आई के लिए भी यूज़ की थी। वेल गाइज, दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरा ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड इस लुक को मैंने कम्प्लीट किया है इस टाइप के बड़े से ब्लैक कलर की इयर रिंग्स के साथ। आप देख सकते हो कि कितना ग्लिटरी एंड ड्यूई मेकअप लुक है, मतलब अमेजिंग है। मैं अलग से कोई भी हाईलाइटर अप्लाई नहीं की हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही बहुत ही, मतलब हाईलाइटर ज़्यादा नहीं, मतलब हाईलाइटर के साथ मैंने थोड़ा सा कम मॉइस्चराइजर भी मिक्स किया, बट ये हाईलाइटर इतना अच्छा अमेजिंग है। सो मुझे ये टाइप का बेस बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें ज़्यादा कंसीलर या ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं होता है, बट फिर भी आप देख सकते हो कि कितना ग्लोई एंड, मतलब मेरे फेस पे जितने भी दाग धब्बे हैं वो उतना ज़्यादा, मतलब कैमरा पे तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, बट ये अगर आप सामने आओगे तो बहुत ही हल्का सा दिखेगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं दिखेगा। सो अमेजिंग एक लुक है, आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड येस, अगर आप लोगों को मेरा ये लुक अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।